भाई गजब हो गया चोरों को, शायद पुलिस पर या तो दया आने लगी या फिर वो पुलिस से डर गए। तभी तो चोर लुटेरे चोरी किया हुआ सामान वापस धीरे से पोटली बनाकर वापस दे गए और नाली में छोड़ गए। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह वाकया मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां कुछ लुटेरों ने बीते दिन एक घर में देर रात ढाबा बोला, अकेली महिला को बंधक बनाया और सोने चांदी के जेवरात लेकर चंपत हो गए थे। गौर करने वाली बात यह थी कि पुलिस चौकी बाजू में थी। मामला गोपालगंज थाने के सनिचरी इलाके का है, जहां चोरों ने MPEB की रिटायर्ड कर्मचारी समीम बानो के घर देर रात ढाबा बोला, उन्हें बंधक बनाया और फिर सोने चांदी के जेवरात लेकर चंपत हो गए थे। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में उछला, पुलिस की थू थू और मैं हुई, तो चोरों को शायद पुलिस पर दया आ गई और फिर या वो डर गए और चोरी किया हुआ सारा सामान नाली में पोटली बनाकर फेंक गए। पुलिस के सूत्र कहते हैं कि समीम बानो के किसी नजदीक ने इस घटना को अंजाम दिया है और डर के मारे सारे गहने वो वापस कर गए हैं। बहरहाल चोर साहब, आप ऐसे ही डरते रहो और चोरी का माल वापस करते रहो और पुलिस पर दया करते रहो। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो आज ही संपर्क करें।